Thank you.
और विस्तार है तो जो विस्तार है वो कहाँ से शुरू होता है, वो कौन सा बीज है जहाँ से विस्तार शुरू होता है? बाप तो शॉर्ट कर देता है। गीता का भगवान दुनिया को शॉर्ट बना देता है या विस्तार कर देता है? सार में ला देता है। इस्लाम धर्म है जो दुनिया को विस्तार में ले जाता है। शंकर का पार्ट खत्म होने वाला है और आचार्य की जो मूल्य मिलेगी उससे शंकर का पार्ट खत्म होने वाला है। और दुनिया खत्म नहीं हो रही है, है? क्यों? विष्णु पाठ शुरू होने वाला है और शंकर का पाठ खत्म होने वाला है और ब्रह्मा का पाठ लेकिन वाणी में तो बोला है ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक अनुदा हुआ है। जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हुई है तब तक ब्रह्मा का पाठ चालू रहेगा। तो पहले स्थापना होगी कि पहले विनाश होगा? पहले स्थापना का काम पूरा होगा तब ब्रह्मा का पाठ पूरा कहा जाएगा। बाद में विनाश का काम पूरा होगा तो जो विनाशकारी मूर्ति है उसका पाठ भी पूरा कहा जाएगा। फिर बाद में विष्णु द्वारा पालना, वो भी पालना कब तक है गाई जाती है? ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ये तीन मूर्तियां कौन से युग की है? संगम युग की है। तीन मूर्तियों में से अगर एक मूर्ति खत्म कर दी जाए तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाएगा है? नहीं कहा जाएगा। फिर एक मूर्ति रह जाएगा, दो मूर्ति रह जाएगा तो शिव खंडित हो गया या अखंड कहेंगे? ये पॉइंट कहाँ से निकाला है कि शंकर का पाठ खत्म हुआ? अभी शंकर का पाठ दो तीन साल में खत्म होने वाला है, है? किसी ने कहा था है दो तीन साल में शंकर का पाठ खत्म होने वाला है। शंकर का पाठ खत्म होने वाला है? विष्णु का पाठ। मुरली में तो बोला है शंकर क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। खेत में चलाई गई वाणी, वाणी ने बताया था कि ब्रह्मा के इतने साल और शंकर के इतने साल और दो साल में शंकर का एक पाठ पूरा होने वाला है, 30 साल को। तो ब्रह्मा का पाठ खत्म हो गया क्या? ब्रह्मा का पाठ जब अंत तक चलेगा तो दूसरी दो मूर्तियों का पाठ भी 36 तक चलेगा। इस्लाम धर्म से जो कनेक्टेड अष्टदेव में से आत्मा है धर्मराज का पाठ हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि धर्मराज के दो हैंड है, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। तो बाबा इसमें से जो एक हाथ है लेफ्ट हैंड जो अष्टदेव में गिना जाता है और एक है राइट हैंड, राइट हैंड तो अष्टदेव में है नहीं। तो वो राइट हैंड अष्टदेव में है नहीं तो धर्म का राजा कौन है फिर? मेरा राइट हैंड है धर्मराज, कौन है?
युधिष्ठिर है पापा जी बोले कि धर्मराज के दो हैंड है, ठीक है, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, हैंड तो दो होते ही है, एक राइट हैंड कहा जाता है एक लेफ्ट हैंड कहा जाता है। तो मेरा धर्मराज मेरा राइट हैंड है, कहा वो किसके हैंड हो गया? जो चैतन्य में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, ब्रह्मा की सोल चैतन्य में साकार में किसके द्वारा पार्ट बजाती है? धर्मराज। हाँ, धर्मराज का। जैसे विष्णु है तो विष्णु में राइटियस भुजाएं भी दिखाई गई है और लेफ्टियस भुजाएं भी दिखाई गई है, लेकिन दोनों को चलाने वाला कौन है? बाप है। बाप है। ऐसे ही धर्मराज का भी पार्ट है, बाप प्रेसिडेंट है। उनको लेकिन बाबा ने तो कहा है कि प्रेसिडेंट तो कुछ करता नहीं है, करने वाला तो सब प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री होता है, है? प्रेसिडेंट जो है वो तो डायरेक्शन देगा, है? और उसी हिसाब से धर्मराज अपना पार्ट प्ले करेगा, ठीक है। लेकिन जो धर्मराज के जो दो राइट दो हैंड्स है, है वो जो दो हैंड्स है वो कौन कौन है? एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड बोला, बताया ना। अगर धर्मराज बाप को ही कहेंगे, बाप के साथ कोई सहयोगी शक्ति है या नहीं है? है, है? वो राइट हैंड नहीं है, वो बोलते सहयोगी शक्ति है, वो अष्टदेव वाली। सूर्यवंशी होंगे, उनको पूछने की दरकार होगी कि सूर्यवंश की सहयोगिनी शक्ति माँ कौन है? वैसे नहीं बाबा, वैसे नहीं, कैसे? जो असुरी संहार का बात कर है, असुर का जो संहार है यहाँ पर तो उनका काम नहीं आता, क्योंकि वो तो श्रेष्ठ सूर्यवंशियों की माँ है। तो यहाँ पर जो धर्मराज का जो पार्ट प्ले करेंगे है, तो वहाँ पर भी वही सहयोगी आत्मा बनेगी? बिल्कुल, लेकिन समझ में तो आ गया ना, राइट हैंड कौन है लेफ्ट हैंड कौन है? हाजी बाबा, मैं आता हूँ तो सन्यासियों को ज्ञान नहीं सुनाता हूँ, गृहस्थियों को सुनाता हूँ, ठीक है। तो कानपुर में जो कानपुर की है तो सन्यासी वाली आत्मा है। तुम्हें कैसे भी मालूम सन्यासी वाली आत्मा है? शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि गंगा विष्णु के कमंडल में भी थी, वो विष्णु के चरणों में निवास करती थी। तो विष्णु प्रवृत्ति मार्ग में है या निवृत्ति मार्ग में? प्रवृत्ति मार्ग में। और गंगा कन्या के रूप में होती है या माता के रूप में होती है? तो कन्या कोई माता पिता के संरक्षण में है तो उसको प्रवृत्ति मार्ग में कहेंगे या निवृत्ति मार्ग में कहेंगे? क्या कहेंगे? कन्या आते तो होगी, तो अकेले कहेगी, माँ बाप के साथ है, माँ बाप के कंट्रोल में है। कैसे में बोला है बाप बाबा ने ना बच्चों को सब कुछ दिया होगा, लेकिन ना एक चीज नहीं दिया है, वो है दिव्य दृष्टि की चलना, ठीक है, क्यों नहीं दिया बाबा? इन्हें मिस यूज करेंगे। जैन लोग में ना जो देवताओं की जो पूजा करते हैं या आरती करते हैं तो है ना उसकी ना बोली लगाते हैं, तो किस तरह तो बोली लगाते हैं, माना पैसा बोलते हो 101 2001 3001 ऐसे ऐसे बोली लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? किसी की? देवताओं की पूजा करने के लिए, कलश की पूजा है, गायत्री देवी की पूजा, उसकी बोली लगाते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? पैसे की बोली लगाते हैं। पैसे की? पैसे की बोली लगाते हैं। माने कौन पूजा पहले करेगा? हाँ, जो पहला पूजा करेगा उसकी कौन सी भी देवताओं की जो पूजा करते हैं ना, तो है ना उनकी ना बोली लगाते हैं, बोली माना है ना पैसे की बोली लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 2001 3000 लाखों करोड़ों तक बोली जाती है, उसका अर्थ क्या होता है? तो जो ज्यादा लगाए उसका नंबर पहले हो जाए, है? वो पहले नजदीक पहुँच जाए। हाँ,
वैराग और वैभव एक साथ में हो सकता है ना? हो सकता है। नारायण जैसा पुरुषार्थ होगा तो वैराग भी होगा और वैभव भी होगा। वैभव होगा तो वैराग, वैभव में देखे वैराग नहीं आएगा ना? यही तो, यही तो विशेषता है। मर जाए मगर बोलता रहे। बाबा है, ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती दुनिया में, मंदिर भी नहीं बनते। हाँ जी। और रावण की भी पूजा नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते। और दोनों का ज्ञान ही बताया है। ब्रह्मा बाप के कंट्रोल में नहीं चले, इसलिए जो है उनको उनकी पूजा नहीं हुआ ऐसा बता रहे हैं। और रावण तो बाप के कंट्रोल में कभी भी नहीं चला, उसकी पूजा फिर भी दुनिया में नहीं होती है। लेकिन ज्यादा वैभवशाली पूजा जो है अगर है दुनिया में किसी की, रावण की ज्यादा होती है। रावण की अभी कहते रावण की पूजा नहीं होती, तो कहते रावण की पूजा होती है। इसलिए कि जैसे ज्ञान में अपने रावण का जो पाठधारी है वो कभी भी ज्ञान में बाप के कंट्रोल में नहीं रहा, लेकिन ब्रह्मा को बाप के कंट्रोल में बताया गया है। बाप के कंट्रोल से उन्होंने ज्ञान को, ज्ञान में चले, ज्ञान से धारणा पालना पाए किए। लेकिन रावण का कभी बाप का कंट्रोल दिखाया नहीं गया उसने। ब्रह्मा जो है वो यज्ञ के आदि में साक्षात्कारों का अर्थ जानने के बाद बाप के कंट्रोल से बाहर नहीं हो गया। लेकिन यज्ञ का संभाल तो करते रहे ना। अलग को मिला अल्लाह, दे को मिली बाप साई, आई तार अल्लाह की हुआ रेल कार आई। ये दो अलग अलग पार्टधारी नहीं है? दो अलग अलग पार्टधारी हुए। हाँ तो फिर दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए ना। लेकिन यज्ञ की संभाल तो जब तक बाप का दूसरा पार्ट नहीं हुआ, जब तक ब्रह्मा का साकार चोला था तब तक उसने यज्ञ की संभाल तो किया ना। हाँ, यज्ञ की जो संभाल की है वो बाप के डायरेक्शन पर की है या झगड़ा हो गया तब की है? झगड़ा होने के बाद क्यों होगा? तो फिर इसलिए उनका पूजा नहीं होता। विरोधाभास तो हो गया ना यज्ञ के हाथ से ही। और विरोधाभास होगा तो एक पक्ष दूसरे पक्ष का विरोध करेगा ना। लेकिन वो सामने के पक्ष में कोई विरोध करने वाला रहा ही नहीं बाप की तरफ। सामने हो या न हो लेकिन निंदा कराने के निमित्त तो बना ना। निंदा कराने के निमित्त तो सदगुरु निंदा कर और न पावे। बाबा अन्य जिलों कहते हैं कि गाय का पूछ पकड़ के हम स्वर्ग में जाएंगे। हाँ जी। तो ये गाय कौन सी और कौन सी सन्यासी? वो सन्यासी जब माला फेरते हैं तो गौ मुख में हाथ डालते हैं। वो कौन सी गौ है जिसका मुख उन्हें बुद्धि में याद आता रहता है? बुद्ध रूपी हाथ उस गौ की याद में जाता है और मुख से राम 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 करते हैं। जैसे वैश्याएं होती हैं, गीत भगवान के गाएंगी और रहेंगी किसके साथ? बड़ुओं के साथ रहेंगी। तो ये भक्ति मार्ग का आडंबर है जिसका खुलासा बाप आकर के करते हैं। सन्यासी देवी के पुजारी है। एक तरफ पतित पावनी गंगा को कहते हैं, दूसरी तरफ देवियों की भी पूजा करते हैं।
तीसरी तरफ शिवलिंग के मंदिर में जाकर शिव की पूजा करते हैं और चौथी तरफ शिवो हम कह के अपनी आरती उतरवाते हैं। तो क्या सत्य है? कौन सी गौ की पूजा करते हैं? शास्त्रों में आया हुआ है गऊ के शरीर में 33 करोड़ देवताएं दिखाए जाते हैं। वो कौन सी गऊ है जिसके बुद्ध रूपी पेट में से 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है? कामधेनु भैया, अभी बात हो रही है, रुको जरा। नंबर वाल क्या? 33 कोटि देवताओं का जन्म। एक माता से सब देवताओं का जन्म होता है या अनेकों माताओं से सब देवताओं का जन्म होता है? देवियां तो नौ हैं, लेकिन जितने भी देवी देवताएं हैं उनकी माँ एक है या अनेक माताएं? मूल में तो एक ही माता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तल तलातल लतल वितल सुतल दुनिया भर के जो नाम दिए हुए भक्ति मार्ग में उनका नाम दे दिया है। वास्तव में है 7 नारायण और उनके 7 धर्मखंडों की बात, लेकिन उनके साथ उनकी नारायणियां भी जुड़ी हुई है, इसलिए 14 लोक दिखाई दिए। अरब खंड में अरब खंड में अरब खंड जो है वो कौन से धर्म पिता से कनेक्टेड है? इस्लाम धर्म के धर्म पिता से कनेक्टेड है। और धर्म पिता जो इस्लाम का है वो कौन से नारायण में प्रवेश करता है? जो सतयुग का सेकंड नारायण है इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाला, और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाला जो सेकंड नारायण है वो प्रैक्टिकल में ब्राह्मणों की दुनिया में किसके नजदीक रह करके पुरुषार्थ करता है और किससे वर्षा लेता है? है ब्रह्मा के नजदीक रह करके पुरुषार्थ करता है और ब्रह्मा से ही वर्षा लेता है, चंद्रवंश से। तो दे अभिमान रूपी मिट्टी का तेल ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में कौन से धर्म की आत्माएं रहती है जिनमें ये सबसे जाति दिखाई पड़ता है? जान भी लेती है ये भगवान का पार्ट है, फिर भी देह अहंकार के कारण मानने के लिए तैयार नहीं होती। सारी दुनिया को बरगलाए देंगी लेकिन फिर भी मानेंगी? मानेंगी नहीं। इसलिए सबसे जाति दे अभिमान के कुएं कौन से देश में है? अरब देश में। बड़ी माँ जो है वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है, इसलिए उनका शास्त्रों में जगदम्बा के कामधेनु के रूप में गायन होता है। उनसे जो श्रेष्ठ माँ है लक्ष्मी, जो कि श्रेष्ठ आत्माओं की माँ है, उनका गायन लक्ष्मी के आधार पे होता है, धन बांटते हैं। लेकिन उनसे भी जो श्रेष्ठ माँ है, जो सूर्यवंशी की माँ, जो नई दुनिया की फाउंडेशन के लिए निमित्त बनती है, वो श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती। क्यों बाबा?
इसलिए नहीं कही जा सकती कि रुद्रमाला आखिरी माला नहीं है, लेटेस्ट माला नहीं है। लेटेस्ट माला कौन सी है? विजय माला। विजय माला है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ माला। रुद्रमाला के मण के और रुद्रमाला का दूसरा मण का भी जब तक विजय माला में ऐड न हो तब तक रुद्रमाला और उसका पहला दूसरा नंबर का माला श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। नई दुनिया की फाउंडेशन के लिए उनको जो नींद बनाया जाता है बाबा, तो उसका कोई गायन नहीं है शास्त्रों में? काशी नगरी है ना, लेकिन माँ के रूप में काशी नगरी खुद ही माँ है। काशी नगरी, नगरी का मतलब ही है माँ। बाप और मरे और राज कुछ हमको मिले, ये जो है राम बोले आत्मा के लिए कह सकते हैं क्या आदि में? ये मुसलमानों की धारणा होती है, ये मुसलमानों की धारणा होती है कि बाप मर जाए शाहजहां तो राजा ही हम औरंगजेब को मिल जाए। हाँ आदि में शूटिंग हुई थी राम वाली आत्मा है आदि में। हाँ जी, मुसलमान धर्म के प्रभाव में आ गए होंगे, इस्लामियों के प्रभाव में आ गए होंगे, उन्होंने ऐसी शूटिंग की होगी, बाप का लाश भी गुम कर दिया। देवी के पुजारी जो रावण संप्रदाय का है और रावण है इस्लाम धर्म का बीज रूप, तो इनका सबका कनेक्शन उसके साथ होगा ना? ठीक है, और ये आर्य समाज का बीज रूप प्रैक्टिकल अभी उनका कनेक्शन होगा अंदर से, इसलिए उनमें इतनी पावर आती है कि पूरा ब्राह्मणों की दुनिया को कंट्रोल कर देगी। सच्ची बात है, ठीक है ना? क्योंकि खर्चा मिलेगा तो देवी कंट्रोल करेगी ना, बिना खर्चे के कंट्रोल कहाँ से करेगी? सीता कौन है खर्चा? एपिडर्मी बीज है फिर? बाबा कन्या की शादी करा देना तो समझाता है पंडित उसको कि ये तेरा गुरु है पति है, अगर ये समझारी बरोबर नहीं मिलती तो क्या हाल होता है कन्या का? ये समझारी उसको बरोबर मिलती नहीं है तो कन्या का हाल क्या होता है? विदेशों में क्या हाल होता है, वहाँ समझानी नहीं दी जाती है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बीज रूप की दुनिया में हाँ यहाँ भी शूटिंग होती होगी ना? क्या कि ये एक ही साजन गुरु जो है एक ही है, ये समझानी देता है पंडित, तो उन्होंने ये समझानी नहीं दी होगी ना? ठीक है, इसलिए उन्होंने साजन किसी को और भक्ति मार्ग में तो कहते कुछ है और करते कुछ है, जो कहते हैं तो समझ नहीं सकते न दूसरों को समझा सकते हैं, और ज्ञान मार्ग में तो समझते भी हैं और दूसरों को समझाते भी हैं, इसलिए साफ सीधा होता है। बाबा वो प्रश्न क्लियर नहीं हुआ, बाप गरीब कैसे है? बाप गरीब कैसे? बाप के पास बैंक बैलेंस निकालेंगे? जानदन की बात है यहाँ, अमीर गरीब फूल रुकने की बात नहीं है बाबा। नहीं नहीं नहीं, जहाँ हद की बात उठाओ, आप गरीब नहीं हुआ है, गरीब नहीं तो कौन से गरीबों को उठाता है? स्थूल गरीबों को उठाता है या ज्ञान के गरीबों को उठाता है? ज्ञान के गरीबों को, ये सब ज्ञान के गरीब है यहाँ, बहुत अवकर बन गए।
अभी का होगा बेसिकली से तो गरीब है। जो बात हो रही है मुरलियों में उस समय की बात उठाओ कि बाप गरीब रिवाज है तो कौन से गरीबों को साहूकार बनाता है? दादा लेखराज जैसों को साहूकार बनाता है या जिनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं होता उनको साहूकार बनाता है? पहले तो हद से बात उठाई जाएगी ना, बाद में बेहद में जाएगी। जो गरीब निवाज है साहूकार कैसे बनाए हैं? जो गरीब निवाज साहूकार कैसे बनाए? जो गरीब निवाज है वो ज्ञान रत्नों से साहूकार बनाता है। ये स्थूल रत्न जो है, ये जो स्थूल रत्न है आज की दुनिया के, नहीं जो आज की दुनिया के स्थूल रत्न है वो तो उन साहूकारों के पास ज्यादा है, लेकिन बाप के पास जो ज्ञान रत्न है जो बच्चे धारण करेंगे उनके ये सूक्ष्म रत्न स्थूल रत्न बन जावेंगे प्रैक्टिकल में, क्योंकि सब धंधे नुकसान हो जावेंगे और ईश्वरीय धंधा दुनिया में बढ़ जाएगा। तो जो सूक्ष्म रत्न है वो भी स्थूल रत्न बन जावेंगे। अब तो बाप दादा ने जो बोला तीन जो माता है, अब तो बाप दादा ने अभी वाणी जो चलाई उसमें बताया तीन माताएं कंट्रोल अभी बन गई, हेड बन गई, तीन माताएं अभी हेड बन गई। एक मना ब्रह्म कुमारी आश्रम की दादी प्रकाश मणि और राजस्थान की जो प्राइम मिनिस्टर है वो वसुंधरा राजे शिंदे और जो प्रतिभा पाटिल है उसके बारे में बाबा ने अलौकिक उठा ली है, लौकिक उठा ली? नहीं नहीं नहीं, अलौकिक में प्रतिभा पाटिल का क्लियर नहीं हुआ था बाबा वो नहीं। तो अभी बाबा उनसे अभी मिली थी हैं, माउंट आबू में उनका जाना हुआ था हैं प्रतिभा पाटिल। वो तो सारे जाते रहते हैं, जो जो चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर या साधारण मिनिस्टर छोटा ऑफिसर बड़ा ऑफिसर बन के बैठेगा वो सब ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते रहेंगे। ये क्या बड़ी बात है? प्रतिभा पाटिल कौन की प्रतिभा ज्यादा हो बाहर ही राष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए खड़ी हुई है ना अभी, वो खड़ी हुई है इलेक्शन के लिए अभी हो जाएगी। हाँ तो उन्होंने ये कहा है कि ब्रह्मा के जो सोने वो मेरे से बात किया है माउंट आबू में। हाँ तो मीडिया वालों ने बात उठाई है कि 38 साल पहले जिन्होंने शरीर छोड़ा है वो कैसे आगे बात कर सकता है? 38 साल पहले जिन्होंने शरीर छोड़ा दादा लेकर जी आपने शरीर छोड़ा है अभी वो मोहिनी बहन के सन में आकर वो प्रतिभा पाटिल से बात किया कि आप अभी राष्ट्रपति बनने वाले हैं। हाँ? तो लोगों का कहना है, मीडिया वाला का कहना है कि जो शरीर छोड़ा है वो आपका कैसी बात कर दूध प्रेस बन के बात नहीं करती है वो मीडिया वाले नहीं कर रहे अंधश्रद्धा है अभी अंधश्रद्धा है अंधश्रद्धा है मीडिया वाले कहते हैं अंधश्रद्धा है जो प्रैक्टिकल आत्मा नहीं है और उसकी बातें मानना है अंधश्रद्धा वक्ति मार हुआ मीडिया वालों का कहना है कि हमारा राष्ट्रपति अंधश्रद्धा वाला नहीं होना चाहिए। और उन्होंने भी ये बताया बाबा कि ये जो बात करने वाली सोने ब्रह्मा की है दादा लेखराज ना कि शिव की, माना उन्होंने कृष्ण को दादा लेखराज को प्रत्यक्ष कर दिया आज मीडिया वालों के सामने जो आने वाली सोल है ब्रह्मा की है ना कि शिव की है। तो कल ये बात निकलेगी गीता का होगा शिव है कौन बोल रहा है तो ये बोलेंगे हमने बोल रहे ये आध्यात्मिक विश्व वाले बोल रहे हाथ पीटे आधा लेने मान लेंगे गीता भगवान कृष्ण है खाना वाना तो सब बोलना है ना पहले से। अभी तलेटी में ना अवतर मामा का दिन है ना भोग दिन मतलब सुने क्योंकि जिनको तो ये सत गुरुवार को मनाया गया और दादी को पूछा गया सबके सामने कि मम्मा भोग इतना 36 प्रकार के है इसको काटे इसको स्वीकार करो तो मतलब दादी प्रकाश मैंने थी ना तो ये कुछ नहीं बोले ऐसे देखते रह गए। फिर पूछा कि ये दादी आंखें खोलो आंखें भी नहीं खोल रही मतलब सभी ने आवाज दिया कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कुछ नहीं तो सबको मतलब आश्चर्य लगा कि अभी तो स्टेज पर चल गया अभी और अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है क्योंकि और उनके साथियों ने वो ग्रुप का बाटा वगैरह स्वीकार सब सुनता रहता है।
होने के बाद उसके बाद पूछा था तो कोई टाइम नहीं रहेगा ऐसे का है, का टाइम रहेगा उस समय। स्थापना होने के बाद विनाश शुरू होगा तो बिना से उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शांति का टाइम हो जाएगा। यहाँ पे पुरुषार्थ किया वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। हाँ ऐसे भी करना नहीं, किसी का पुरुषार्थ समाज नहीं करेगा। ठीक है, जो पावरफुल आत्माएं होंगी वो अंत तक पुरुषार्थ करती रहेंगी, अंत तक बरसा लेती रहेंगी। पावरफुल आत्माएं तो आठ ही है ना। हाँ उनका तो पहले पुरुषार्थ हो जाएगा, लेकिन संक्षेत्र में राम वाली आत्मा का पाठ प्रत्यक्ष हो गया, इसका मतलब ये थोड़े कि उनका काम खत्म हो गया। अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए उन्हें काम नहीं करना है। जब तक उनके लिए वो काम पूरा न करें तब तक थोड़े कहा जाएगा वो कार्य पूरा हो गया। चाहे तो वापस जा सकती है, लेकिन बच्चों के लिए रुकना पड़े। ऐसे ही उनके भी अपने फॉलोअर्स हैं, उनके लिए उन्हें पुरुषार्थ करना पड़े। जो है वो किसी किसी के लिए शुरू हुआ है, किसके लिए शुरू हुआ है? बाबा ने कहा था लास्ट में किसी किसी के लिए शुरू हुआ है। संगम युग में अतीन्द्रिय सुख होगा, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। और ये अंत समय का गायन है, अभी नहीं दे सकते। तो अंत समय अभी शुरू हो गया क्या? और अतीन्द्रिय सुख एक बार आरंभ हो जाएगा तो अविनाशी काल तक चलेगा या बीच में विनाश हो जाएगा? है वो बाप अविनाशी, बाप का अविनाशी वर्षा है या विनाशी बाप का वर्ष है? हाँ पार्वती को जो पूछा जाता है तो पार्वती कहती है कि उनकी नजर में राम वाली आत्मा अर्थात शंकर का पाठ भजन वाली जो आत्मा है वो कभी होगी नजर आते ही नहीं है, वो योगी है, उनकी बुद्धि वहां तक जाती ही नहीं है। तो इसे ज्ञान कहेंगे या अज्ञान कहेंगे? तो संगम युग की बात है, ज्ञान मिलने के बाद की 63 जन्मों की बात थोड़े ही कहेंगे। अगर 76 के बाद ही कई बच्चों की बुद्धि में अगर ये बात बैठी है कि राम वाली आत्मा शिव समान स्टेट को प्राप्त कर चुकी है, इसे ज्ञान कहेंगे कि अज्ञान कहेंगे? जो पार्वती बनने वाली आत्मा है उसको क्या एडवांस ज्ञान मिल गया है? वो बात ही नहीं लागू होती। नहीं, लेकिन जो बच्चे अगर ये समझते हैं कि राम वाली आत्मा ही शिव समान स्टेट को प्राप्त कर चुकी है 76 के बाद में, 76 में तो भक्ति मार्ग है बाबा, लेकिन इससे दुर्गति नहीं होती ना। दुर्गति क्या होगी? क्योंकि अज्ञान से दुर्गति कहाँ गया है? अज्ञान जो है वो ये है कि शिव जो है वो सदैव एक अर्थ में मौजूद नहीं रहता, लेकिन ये समझना है कि हम शिव से ही बात करते हैं। हम शिव को ही चिट्ठी लिखते हैं, हम देहधारी को चिट्ठी नहीं लिखते। लेकिन हमारे लिए अगर एक ही हो चुके, जैसे ब्रह्मा की गोद में कोई जाते थे तो बाबा कहते थे किसकी गोद में आए हो? जो समझते थे ब्रह्मा की गोद में आए तो कहते थे, जिनकी बुद्धि में है शिव सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु वो शरीर धारण करके हमको गोद में ले रहा है तो कहते पा। ऐसे यहाँ भी है, यहाँ अगर कोई राम को देखते हैं और शिव को भूल जाते हैं तो फेल। अगर ये बात बैठी है कि शिव ही बन चुका है राम, तो शिव राम नहीं बनता है। नहीं, राम शिव बन चुका है। राम जो है
वो अल्प काल के लिए जब तक दुनिया का काम संपन्न न हो जाए तब तक के लिए चिंत रूप धारण करता है। लेकिन अगर कई लोगों को महसूस होता है, अनुभव होता है कि 76 के बाद से ही हो चुका है, वास्तवन स्टेज को प्राप्त कर चुका है। बाबा ने कहा कि ज्ञान से सदगति और अज्ञान से दुर्गति, अगर इसे अज्ञान कहेंगे तो इससे कोई दुर्गति तो नहीं। आपकी अपनी मान्यता है कि ऐसे लोग होंगे, लेकिन ऐसा एक भी नहीं होता है, क्योंकि सब निश्चय अनिश्चय के चक्कर में चलते रहते हैं। जब सारे वो बात ठीक है, ये भी बात ठीक, दोनों बातें कैसे ठीक होंगी? जब सारे निश्चय अनिश्चय के चक्र में चल रहे हैं, तो एक दो आत्माओं के लिए ये कहा जाए कि वो ये समझ करके बैठी है कि यही शिव बन चुका है, यही संपन्न बन चुका है, ये बात तो रंग हो गई ना। जब निश्चय में रहते तब की बात हो, फिर अनिश्चय में रहते तब। बाबा स्वर्ग में घी की नदियाँ बहती है, दूध और घी की, और वही पेड़ में विनाश के समय भारत में उनकी नदियाँ बहती है भाई, वही समय में एक तरफ दूध और घी की नदियाँ स्वर्ग में, संगम भी स्वर्ग में है, और एक तरफ विनाश में भारत में उनकी नदियाँ बहती है। ये नदियों में डिफरेंस कनेक्शन है कि बाप के साथ दूध की नदियाँ और घी की नदियाँ एक फेज है, मुहावरा है। दूध की नदियाँ कोई होती नहीं है, ये संकल्पों की बात है। कोई ग्रुप के संकल्प ऐसे श्रेष्ठ चलते हैं और कोई ग्रुप के संकल्प ऐसे भ्रष्ट चलते हैं, ये संकल्पों का खून बहाने वाले हैं, दूसरी आत्माओं को और अपने को कमजोर बनाने वाले हैं, उनको कहा जाता है खून की नदियां और दूध घी की नदियां। दूध घी की जहां नदियां बहती है, उससे साबित होता है कि प्योरिटी का संगठन बहुत अच्छा है, और जहां खून की नदियां बहती है, वहां इम्प्योरिटी भरी पड़ी है, इसलिए एक दूसरे का खून पीते रहते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि स्थूल रूप में कोई घी की नदी बहती है, कलस्तर भरला हो जाके। बिल्कुल होगा, जैसा पुरुषार्थ परिपक्व स्टेज में पहुंचता जाएगा वो अनुभव करता जाएगा। तो अभी ये भी नहीं कह सकते कि जिनकी सीट फिक्स हुई है, जो बाबा दादा की है, तीन सीट फिक्स हो चुकी है। संचेतन से राम वाली आत्मा अगर अपने पार्ट को पहचान लेती है तो क्या उसे पुरुषार्थ खत्म हो गया? उनके लिए स्वामी जी समझ नहीं कर कैसे कह सकते हैं। संगम युग का मतलब ही है स्वर्ण में रहने वाला, सच्चाई ही सच्चाई, और सारी दुनिया में एक भी पतित होगा तो पतित दुनिया कही जाएगी, पावन दुनिया कही जाएगी। तो फिर स्वर्णिम संगम युग कहाँ से आ गया? फिर अलग अलग समय से कैसे शुरू करेंगे? जो जो उनसे संगठन में पहुंचते जाएंगे उनके लिए कहा जाएगा है? हाँ जी, ये ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा, इसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं करेगा, तो वो स्वर्ण युगी संगठन कहा जाएगा। एक बार प्रवेश किया तो वापस वहाँ से मिलेगा नहीं? फिर उसमें अंतर नहीं होगी बाबा। जो एक बार स्वर्ग में चला गया वो फिर दोबारा नरक में नहीं आएगा, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अगर इसी से बना के अगर वो आदमी संगठन में पहुंच गया तो बाबा ने क्या संपूर्ण ब्राह्मण बने, कोई एक भी नहीं बन सकता है। कोई नहीं बन सकता, अंत में हो जाए तो आएगा ना अंत, कोई के लिए अंत पहले और कोई के लिए अंत बाद में। फिर उधर जाने के बाद उनकी ट्रेन में बिल्कुल हलचल नहीं आई। अरे जब संग ही रहा ऐसा मिल रहा है, अभी हमारी अवस्था माउंट आबू में बाबा के सामने पहुंचते थे
तो कुशनमा अवस्था बनती थी, बाहर की दुनिया में जाते थे तो अवस्था नीचे आ जाती थी। तो संग का रंग लगता है ना, संग तारे कुसंग बोरे। ओम राधे मम्मा, ओम राधे मम्मा कहती थी कि हुक्म उतनी हुक्म चला रहा है, निश्चित हो जाती थी। तो एडवांस में जो देवियां है या प्रत्यक्ष होने वाली नंबर वाली, उसमें एक कभी संकल्प नहीं लेने चलता कि हुक्म ही हुक्म चला रहे। ये एडवांस में रुद्र माला है या विजय माला के मांगे? सूर्यवंशी ग्रुप में तो होंगे, सूर्यवंशी ग्रुप में तो होंगे, जो सूर्यवंशी ग्रुप में होंगे वो स्टेज में पहुंच गए होंगे। तो तीसरा जो मन का है इस्लाम धर्म से करने के, वो सोचता होगा ये क्या हुक्म ही हुक्म चला रहा है? अगर अगर नहीं चला रहा होगा तो अपने राजा ही अलग बना लेगा। ऑर्डर कैसा देगा? कौन ऑर्डर तो दे रहा है ना, ऐसा करना चाहिए वैसा करना। पत्तों पत्तों को चलाने वाला एक है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है का मतलब क्या हुआ कि पत्ते पत्ते को हिला रहा है। तो ये संगम युग का गायन है जो भक्ति मार्ग में कहते हैं, या कहीं दूसरी जगह की बात है। पत्ता भी तेरी सत्ता के बिना हिल सकता नहीं, तो प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ होगा ना, कोई ऐसी दुनिया बनी होगी ना। मतलब जो स्वर्ग में जाता है किसी स्वर्ग में जाएगा उसका ही भला हुआ ऐसा कहा जाएगा ना। चढ़ती कला का मतलब है जिसकी चढ़ती कला होगी वो दूसरों का भला किए बगैर नहीं रह सकेगा। चढ़ती कला की ये निशानी है कि जो चढ़ती कला में जाएगा वो दूसरों का भला करने में लग जाएगा, अपनी परवाह नहीं करेगा। पाना था तो पा लिया, स्वार्थ में जिंदा नहीं रहेगा। परमार्थी बाप के साथ परमार्थी बन जाएगा। आगे मार्ग आता है रावण के, रावण से तो क्या करता है, सुनता है और सुनाता है, और राम प्रैक्टिकल करता है और प्रैक्टिकल कराता है। तो यज्ञ के आदि में सुना किसने और सुनाया किसने? गीता माता ने सुना और उसने सुनाया, तो फाउंडेशन डाल दिया ना। समझा तो नहीं, तो दोनों ही बातें हो गई। और उसमें सहयोग किसने दिया? सुनने सुनाने की बातों में सहयोगी सबसे जास्ती कौन से धर्म की आत्मा बनी? इस्लाम धर्म की आत्मा। तो जो इस्लाम धर्म की आत्मा है वो काम क्रोध लो वो अहंकार का मुखिया बन गई, और जो सुनने सुनाने वाली आत्मा है वो प्रकृति के पांच तत्वों का मुखिया बन गई। तो रावण के दस्तरी दिखाई जाते हैं, पांच प्रकृति के तत्व है जड़त्वमयी,
और पांच विकारों के रूप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये रावण का रूप हो गया। अरे गीता माता ने तो ब्रह्मा भगवती है। हाँ, ब्रह्मा सबसे जाती मान मर्तबा किसको दिया? इन सभी सितारों में सबसे जाती खातिरी होती है कुमारिका की। ये किसने बोला? मम्मा की खातिरी सबसे जाती होनी चाहिए। यज्ञ के आदि में जो माता थी, माताएं थी, उनकी खातिरी सबसे जास्ती होनी चाहिए। कुमारिका ही ये तो बोला है? क्रिश्चियन किसको ज्यादा पसंद करते हैं? जानवरों में कौन से जानवर होते हैं जिनको क्रिश्चियन ज्यादा पसंद करते हैं? तो कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। फाउंडेशन कहाँ से पड़ता है? भ्रष्टाचारी भी तो बोल दिया ना है, उन आत्माओं को भ्रष्टाचारी भी तो बोल दिया ना, जिनकी खातिरी ज्यादा होती है। हाँ, जिनका इस दुनिया में बहुत माने है उनको बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो, ये भी बोल दिया। ये भी तो कह दिया ना। और ब्रह्मा को ब्राह्मण कहेंगे क्या? ब्रह्मा एक है या अनेक है? आदि ब्रह्मा। आदि ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा जिन्होंने बात को सुना और सुनाया है, उनको ब्राह्मण कहेंगे क्या? ब्राह्मण बने बिगड़े प्रजापिता था क्या? ये बात तो प्रजापिता भी लागू हुई। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? लेकिन वो ब्राह्मण जब तक ज्ञान ना ले वो ज्ञान तब तक ब्राह्मण कैसे? प्रजापिता ब्राह्मण नहीं था? नहीं नहीं, प्रजापिता को तो उन्होंने सुनाया। किसने सुनाया? माता ने सुनाया। सुनाने वाला था या समझने वाला भी था? सुनने वाला भी था वो समझने वाला भी था और समझाने वाला भी था, तो वो तो ब्राह्मण हो गया। हाँ। और जिसने सुना और सुनाया। हाँ। वो ब्राह्मण थोड़ा ही हुआ। हाँ जी, ब्राह्मण नहीं हुआ ना। अगर वो ब्राह्मण हो जाए तो फिर पहला ब्राह्मण तो पहला शुद्ध तो पहला देवता कैसे कहा जाए? हाँ, यही बात। बताया है एक झाड़ दो पकी ऐसे की मैं जिस तरह में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, इस तरह का उल्लेख किसी वेद में आया है? वेद तो बहुत विस्तार वाले हैं और अनेक प्रकार की ऋचाएं हैं, उनका आवागमन किया जाएगा तो कोई न कोई ऋचा ऐसी मिल पड़ेगी जिसमें वो बात लिखी हुई है। और बाबा, बारह बारह का जो ग्रुप बनता है ना, इसमें जो बारह राशि है और बारह गोत्र, तो ये जो चांडिल्य गोत्र है, इसे जो श्रेष्ठ गोत्र है, तो वैसे बारह राशि में श्रेष्ठ राशि कौन सी है जो देवता वर्ग की? ये तो मनुष्यों की बनाई हुई बातें हैं। बाबा कैली कर सकते हैं, लेकिन ये भी बोला है लखनऊ में जाने की हमको क्या दरकार है? तो अपना पुरुषार्थ करो। कश्यप गोत्र सबसे ऊंचा माना जाता है, काश्य माने तेज, अप्पा माने पीने वाला, जिसने याद का तेज पिया वो कश्यप गोत्र। संस्कारों की जिन्होंने राज है,
जो संस्कारों के राज मिलाते ना हाँ। वो हिसाब से राशि बनती होगी ना। हाँ तो वो पहले विष्णु बन जाएगा। चार राशि जो नारायण के लिए कहते हैं कि नारायण की बनने वाले की एक पहचान है, उससे पता पड़ सकता है नारायण कौन बनेगा। मुरली में बोला है नारायण का जो नाम है अभी कलयुग का। नहीं नहीं नहीं, वो बताया है कि हर वर्ग की आत्मा के साथ वो मिक्स हो जाएगा। मूल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। हाँ जी, बच्चों में बच्चा बन जाएगा, बुद्धों में बुद्धा बन जाएगा, गरीबों में गरीब बन जाएगा, झोपड़पट्टी वालों के साथ झोपड़पट्टी वाला बन जाएगा। बाबा लक्ष्मी नारायण की जो अभी का जो राहत है कलयुग की सेम है ना। हाँ, ये हिसाब से लक्ष्मी नारायण की जो कलयुग की जो नाम है उनके अभी जो ब्राह्मण के हाँ, वो उनकी राज जो एक ही आती है नाम से। हाँ, वो हिसाब से देवता वर्ण की कितनी ग्रुप है, चार कौन का, क्योंकि चार स्थापनाकारी, चार पालनाकारी और चार विनाशकारी। हाँ? स्थापनाकारी चार राशि जो होंगे वो कौन सी। माना पार्ट खुलवाना चाहते क्योंकि उनकी राशि से मिलती होंगी ना बाकी दो की। अब राशियां भी तो आजकल अनेक प्रकार से बताते हैं, कोई ईसवी तारीख के अनुसार राशि बताते हैं कि इस तारीख से लेकर के इस महीने की इस तारीख तक जिनका जन्म है उनकी ये राशि। कोई कहते हैं नाम के अनुसार राशि होती है, नाम का पहला अक्षर जैसा होगा वैसी राशि होगी। कोई कहते हैं नहीं, जो विक्रमादित्य संबत है या जो शक संबत है उस संबत के अनुसार जैसा जिसका जन्म होगा वैसी राशि बनेगी। तो तुंडे तुंडे मतर बिन्ना कौन सी बात को उठाएंगे, कौन सी बात को समझाएंगे। हाँ जी, ओम शांति करे तो बाबू जाए। हाँ, दबी रही धूल में किसकी राजा था, किसकी ले गई सोचा, किसकी आग जलाई। जो अपनी प्रॉपर्टी का मिस यूज करते हैं, बाबा की सेवा में नहीं लगाते, उनका ये हर्ष होने वाला है। ठीक है बाबा, भाइयों में और कुछ हद तक माताओं के पास तो धन का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन कन्याओं के पास तो सिर्फ पवित्रता होती है धन का। तो उसको अगर बाबा की सेवा में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, तो उनका भी यही हर्ष होने वाला है। कन्याओं के पास ज्ञान की प्रॉपर्टी नहीं होती है क्या। ज्ञान की होती है बाबा, तो फिर लेकिन जो पांच मोदियों ने जिक्र किया है कि धन का प्रॉपर्टी होता है, ज्ञान की पवित्रता का। ज्ञान की प्रॉपर्टी होगी तो तन की पवित्रता का भी मूल्य समझेंगे, और ज्ञान की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो तन की पवित्रता का भी मूल्य नहीं होगा। मूल्य समझेंगे तो बाबा क्या करेंगे, समर्पित होंगे या बाहर ही रहेंगे। इसलिए सेवा में ही लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे। अगर ज्ञान बुद्धि में बैठा है तो इसलिए सेवा में लगाएंगे। लेकिन बाबा ने ये भी तो कहा है कि कन्या माता कलयुग के अंत में अबला हो जाती है। हाँ, माना अगर बाहर की दुनिया में रहेंगे किसी के राजा का कोई ना कोई तो अपने अंडर में रखने ही वाला है। इससे अच्छा तो बात है समर्पित होना। हाँ, तो ज्ञान बुद्धि में बैठने की बात है ना। ज्ञान बुद्धि में बैठेंगे तो जरूर समर्पित होंगे। हाँ जी, हाँ जी, से गुजरना है ना। हाँ जी, बाबा ने बोला है शेर अकेला बोलता है। हाँ, शेरनी के बारे में नहीं बोला है। ठीक है, क्योंकि वो शेर है, शेरनी अकेले नहीं बोलता। अब ह्यूमन दुनिया में शेरनी भी हो, बन ही नहीं सकती हो। ह्यूमन दुनिया में कोई शेरनी भी हो तो फिर मायावती है।
नाम माया रहेगा तो शेर नहीं रह रही हो। जगदम्बा जब महाकाली बन जाएगी, महाकाली का पाठ बजाएगी, तो वो कितने के ऊपर मतलब हावी हो जाएगी, अनिश्चय बुद्धि बनाएगी, जो आसुरों का जो संहार वाली बात है, तो मैंने वो 108 108 उसमें भी हुई है, ये उनके पीछे वाले आत्मा के ऊपर हावी हो जाएगी। सजाए जितने खावेंगे उनके ऊपर हावी, सब के ऊपर हावी बनेंगे। तो आठ को छोड़ के है राज करेगा जब खालसा होगा, तो खालसा के अंदर में एक को छोड़ के सातों भी चले जाते हैं, वो तो सजा नहीं खाते, कहीं ना कहीं प्रभाव में आ ही जाते हैं ना। लास्ट जन्म में माया किसी को नहीं छोड़ती। मेरा 108वां मंत्र वो उनके पहले वालों के निमित्त कैसे बन जाएगा, मतलब संहार के निमित्त है। लास्ट वाला मन का है ना, वो कौन जगदम्बा। हाँ जी, वो जब महाकाली बन जाएगी, महाकाली का पाठ बजाएगी, तो वो लास्ट मन का है, तो उसे नीचे वाले के ऊपर हावी हो सकती है, मतलब अनिश्चयवादी का बुद्धि बना सकती है, उनसे ऊपर ऊपर वाले के ऊपर तो मतलब कंट्रोलिंग कैसे कर पाएगी। ऊपर वाले कौन है ना, 107 106 जो मतलब नीचे वाले 8 के बाद जो भी माला में आते हैं। हाँ, वो सूर्यवंशी है या कोई दूसरे वंश के हैं? दूसरे वंश तो नीचे हुए तो ऊंचे हुए, नीचे हुए। चंद्रवंश तो ऊंचाई है कि नीचे है? उनके मुकाबले में ऊंचा है। तो फिर सेट हो जाएंगे क्या? हाँ जी बाबा, जो सन्यासी होते हैं वो भगवान का कार्य करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं, और बाबा ने जो बोला जो ब्राह्मण है उनको ईश्वरी सेवा में रहना है, और लेकिन जो अपने बाल बच्चे बना के शादी करके प्रॉपर्टी बना रहे उनको तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे। लक्ष्य देखा जाता है, जो प्रॉपर्टी भी बना रहे हैं तो उनका लक्ष्य क्या है, किस लिए प्रॉपर्टी बना रहे हैं, क्या ईश्वरी सेवा में लगाने के लिए बना रहे हैं या बाल बच्चों के नाम कर जाने के लिए बना रहे हैं? बाबा ने तो माउंट आबू के लिए एक ही बोला है, बाकी कहाँ भी प्रॉपर्टी बना, क्योंकि वहाँ तो ईश्वर की सेवा होनी है, और प्रॉपर्टी बना के बच्चों के कंट्रोल में करना या तो हिम्मत के वर्कलब करना, उनको तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे ना। वो तो ऐसे ही बोला है कि नीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो, अब लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है ना उनकी मत पर चलना है। तो फिर उनके अंदर में सारी पावर देने की बात कहां से आ जाती है? ऐसे मरेंगे जैसे पशु मरते हैं। अभी पशु का मिसाल है। हाँ, पशु जो है जब कुत्ता मरता है तो उसके मुंह में कोई पानी डालने वाला रहता है क्या? कोई परवरिश करने वाला आता है क्या? कोई कुत्ता नहीं है, कोई कुत्ता नहीं। हाँ, सबको बरगलाया है तो अंत में ऐसा हसर होगा कि कोई उनको पूछने वाला नहीं रहेगा। बाहर की दुनिया का सन्यासियों का ऐसे ही हाल होगा, बाहर की दुनिया का भी सन्यासियों का ऐसे ही हाल होगा, पशु की जैसे मर्जी। चाहे बाहर के हो चाहे अंदर के हो,
ये पूछो कि पहले किसका हाल होगा। चलो हो गया।